अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं मटकी भाजी में कबाब डाल के एक डिलीशियस सा झटपट बनने वाला सालन बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉस पैन में हाफ कप मस्टर्ड ऑयल लिया है और उसको अच्छे से गरम कर लिया, और उसमें कबाब फ्राई करके निकाल लेंगे। पहले आप कोई भी कबाब ले सकते हैं, बकरी के गोश्त के या बड़े के गोश्त के, या फिर आप कबाब की जगह बुमन मच्छी को भी फ्राई करके डाल सकते हैं। इन कबाबों को मीडियम फ्लेम पे उलट पलट करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो जाने के बाद इनको निकाल लेंगे। अब मैं उसी तेल में लंबाई में कटी हुई प्याज को ऐड कर लेती हूँ। इस प्याज को हमें ट्रांसलूसेंट नहीं करना है, जस्ट इसको कुछ सेकंड्स के लिए सॉटे करेंगे। उसके बाद फ्लेम को धीमा करके अदरक लहसुन को ऐड करेंगे, एक बड़ा चम्मच। जब तक ये अदरक लहसुन की कचीस मिल जाती है, हम टमाटर को कट कर लेंगे। एक या दो टमाटर काफ़ी होंगे इसमें। टमाटर के डालते ही हम इसमें हल्दी और नमक ऐड कर लेंगे। टमाटर के थोड़े से सॉफ्ट होने के बाद हम लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर को भी ऐड कर लेंगे। इनको भी मिक्स करेंगे। अब हम इसमें धुली हुई माट की भाजी को डाल देंगे। ऊपर नीचे करते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे मटकी भाजी को। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा के इसको 5 मिनट तक धीमी आंच पे छोड़ देंगे। 5 मिनट में भाजी सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम इसमें तले हुए कबाब को ऐड कर देंगे। इनको भाजी में अच्छे से मिक्स करके फिर से 5 मिनट धीमे पे छोड़ देंगे ढक्कन लगा के। 5 मिनट बाद चेक कर लेंगे। आप इस सालन को थोड़ा गीला भी रख सकते हैं या फिर सूखा भी बना सकते हैं। बोथ वे एक बहुत डिलीशियस है। मैं हरी मिर्च डालना भूल गई थी, अभी 2 हरी मिर्चों को स्लिट करके डाल रही हूँ। 2 मिनट इसको धीमी आंच पे पका लूँगी। आप हरी मिर्च को कबाबों के साथ ही डाल लीजिए। ये देखिए, ये रेडी हो गया है। सालन बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये सालन रोटी पराठा और चावल किसी भी चीज़ के साथ अच्छा लगता है। डिश आउट कर लेती हूँ, ज़रूर ट्राई करिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।